अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये बेसिकली आज जो है ये हम जो एक हमारा सेशन चल रहा था फिजिक्स फेडरल बोर्ड की क्लास 9th के हम पास पेपर्स जो हैं वो सॉल्व कर रहे थे। आज ये उसका लास्ट सेशन है। कल इंशाल्लाह हम क्लास 10th के जो है फेडरल बोर्ड के पास पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे। और ये इसमें हमने जो है 9th क्लास के 2019, 2018, 2017 और अभी 2016 इनके हमने पास पेपर्स जो हैं वो कंप्लीट डिटेल्ड सोल्व किए हैं। हमने हर पेपर के ऊपर जो है 3 दिन इंडिविजुअल वीडियोस जो हैं वो रिकॉर्ड किए हैं। एक वीडियो जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड, दूसरी वीडियो जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड और तीसरी वीडियो जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन बेस्ड। तो अभी ये बेसिकली 2016 का पेपर ही है फेडरल बोर्ड क्लास 9th का। इसका 2 सेक्शन जो है हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये लास्ट सेक्शन है सेक्शन सी, तो इसको हम कंप्लीट करके इस 9th क्लास के फिजिक्स सॉल्यूशन का सीरीज को हम आज कंप्लीट कर लेंगे। फिर कल इंशाल्लाह हम जो है वो 10th क्लास की फिजिक्स सॉल्यूशन की सीरीज जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब देखें ये सेक्शन सी में जो है मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें हमारे पास क्या होता है। इसमें हमारे पास जो है 3 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन के 2 से 3 पार्ट्स होते हैं और इन 3 में से हमने कोई सी 2 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। तमाम क्वेश्चंस के मार्क्स जो है वो बराबर होते हैं और 20 नंबर का ये सेक्शन होता है। और इस सेक्शन में मैंने आपको ये भी बताया था कि जिस तरह एक क्वेश्चन होता है ना तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं और इन 3 पार्ट्स में से एक पार्ट में प्रूफ डेरिवेशन किसी चीज की होती है, जो कि बहुत पॉपुलर डेरिवेशन हैं, गिनी चुनी आपकी 9th की बुक में। जिस तरह आपके न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशंस हो गई 3, आपका कोई इस तरह की कोई हल्की फुल्की और डेरिवेशन हैं तो ये आपको हर हाल में आनी चाहिए। सेकेंड एक पार्ट आपका जो है वो न्यूमेरिकल या आपकी एग्जाम्पल पूछी हुई होती है, तो आपने न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल से घबराना नहीं है, आपने प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस से जो है आप लोग जो है अपने न्यूमेरिकल्स पे स्किल्स जो है वो बड़ी अच्छी इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो आपने करनी है। ठीक है। और तीसरा जो पार्ट होता है उसमें आपसे वो कोई चीज़ डिफाइन करा लेता है या जनरल कोई चीज़ें पूछ लेता है, कोई साइंटिफिक रीजन पूछ सकता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन होता है उसके 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है न्यूमेरिकल बेस्ड, दूसरा होता है डेरिवेशन या कोई प्रूफ करो, और तीसरा होता है कोई डेफिनेशन या छोटी मोटी एक्सप्लेनेशन होती है। अब डेफिनेशन में न्यूटन लॉज की को भी पूछ सकता है, इक्विलिब्रियम टॉर्क टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम जो होती हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, या आपके पास जो होती है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इस एक सीक्वेंस को आपने जो है अपने माइंड में जो है रख के जो है अपनी तैयारी को जो है वो कर रहे हैं। चलें अब सेक्शन सी को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। एक दफा देखने दें कि ओके। चलें सेक्शन सी, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 है सेक्शन सी में, उसका पार्ट ए है स्टेट एंड एक्सप्लेन दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखिए ना, इस क्वेश्चन को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, मतलब पार्ट है लेकिन उसके भी मजीद 2 पार्ट्स हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। स्टेट का मुराद ये है कि आपने डिफाइन जस्ट कर देना है, और यहाँ पे इसने आपको ब्रैकेट में सामने नंबर्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दी है कि आप सिर्फ डिफाइन कर देंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होता है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा।
फिर आगे एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो जब एक्सप्लेन आप करेंगे तो उसके चार नंबर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप जो है वो स्टेट करें, डिफाइन करें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो होता क्या है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ये है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट दैट द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू आर मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन कॉन्स्टेंट। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें वर्ड एक आया है, आइसोलेटेड। अच्छा, मजे की बात यह कि ये जो है ना फिजिक्स में चार बड़ी अहम चीजें हैं जो आपने याद रखनी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मैस। ये चीजें कंजर्व है ही है, कंजर्वेशन ऑफ मैस, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मैस, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये हर हाल में कंजर्व होने हैं, हर हाल में, ठीक है। और सेकंड अब ये है कि यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें, आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो। मतलब एक सिस्टम है, सपोज कोई भी सिस्टम है आपके पास, उसके उस सिस्टम के आउटसाइड कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है उस सिस्टम को इंटरेक्ट नहीं कर रही, उसको डिस्टर्ब नहीं कर रही, इंटरप्ट नहीं कर रही, कोई एक्सटर्नल फोर्स जब ना लग रही हो सिस्टम के ऊपर, तो हम कहते हैं कि ये जो सिस्टम है ये आइसोलेटेड जो है वो सिस्टम है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू आर मोर देन इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन कॉन्स्टेंट। तो कंजर्वेशन ऑफ लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहते हैं कि आइसोलेटेड अगर सिस्टम हो हमारा और उस हमारे सिस्टम में दो या दो से ज्यादा जब बॉडीज आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो तो मोमेंटम तब जो है वो कॉन्स्टेंट रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बड़ी अहम डेफिनेशन है कि हमारा सिस्टम जो है वो है दो या दो से ज्यादा बॉडीज पे मुश्तमिल हो सकता है, और ये हमारा सिस्टम जो है दो या दो से ज्यादा बॉडीज वाला ये जो है वो आइसोलेटेड होना चाहिए, मतलब आउटसाइड इसके ऊपर कोई और फोर्स ना लग रही हो, तब इन दोनों दो या दो से ज्यादा बॉडीज वाला जो सिस्टम है जब ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो तब इनका जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं कि दो या दो से ज्यादा बॉडी, मोस्टली दो बॉडीज की इंट्रैक्शन की बात की जाती है, कि जब वो इंट्रैक्ट करेंगे तो उनके इंट्रैक्ट करने से पहले जितना मोमेंटम था उतना ही मोमेंटम होगा जब वो एक दूसरे के साथ इंट्रैक्ट कर चुके होंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लॉ है, इसको आपने जो है वो याद रखना है। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं क्वेश्चन के एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को जरा हम लोग जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो होता गया है दरअसल। कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्फीयर्स ऑफ मैसेस m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटी u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, ठीक है, एक का मैस m1 है, एक का मैस m2 है, ये दोनों ये u1 इलास्टिक के साथ मूव कर रहा है यू, सपोज ये u2 इलास्टिक के साथ मूव कर रहा है सपोज यू, ठीक है, सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं ना। अगर u1 की विलास्टिक जो है वो ज्यादा है u2 से, इसका मतलब है जिसकी u1 की वेलोसिटी ज्यादा है इसका मैस जो है फिर कम है, जहर है, जिसका मैस ज्यादा होता है उसकी वेलोसिटी कम होती है और जिसका मैस कम होता है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है एंड वाइस वर्सा। अगर u1 की वेलोसिटी ज्यादा है तो स्फीयर जो है वो एक दूसरे के साथ जब कोलाइड करेंगे लेट देयर वेलोसिटी बिकम v1 प्राइम एंड v2 प्राइम आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। ये दो हमारा एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें ये दो स्फीयर्स हैं हमारे पास, एक मैस m1 है, दूसरे का मैस m2 है, इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है, मैस m2 जो है बड़ा है ज्यादा, इसकी वेलोसिटी u2 जो है वो छोटी होगी u1 से। यहाँ पे जब ये आके एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो क्या होता है,
हम कह रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज जो है वो सपोज इसकी वेलोसिटी v1 प्राइम हो जाती है, इसकी वेलोसिटी v2 प्राइम हो जाती है। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लगाते हैं और देखते हैं कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व रह रहा है या नहीं रह रहा। तो बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम हमारे पास इस सिस्टम का किसके बराबर है? देखें, जो मोमेंटम होता है इसका मोमेंटम कितना होगा? एम वी होगा। एम वन वी वन कह लें या एम वन यू वन कह लें, अगर इसकी वेलोसिटी यू वन थी तो एम वन यू वन होगा। क्यों? क्योंकि यू वन वेलोसिटी से मूव कर रहा था और ये एम वन इसका मास था, इस वजह से इसका मास मोमेंटम कितना होगा? एम टू यू टू होगा। ठीक है, तो इन दोनों के आपस में कोलाइड करने से पहले मोमेंटम क्या था टोटल सिस्टम का? वो था एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जब दोनों आपस में कोलाइड कर गए फिर मोमेंटम क्या होगा? हो गया, वो हो गया एम वन वी वन और ये एम टू वी टू। ठीक है, क्योंकि कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटीज जो है वो, सपोज कोलिजन से पहले वेलोसिटीज यू वन यू टू थी और बाद में वी वन वी टू हो गई। ठीक है, इस वजह से डिफरेंशिएट एक दूसरे से करने के लिए यू वन वी वन और यू टू वी टू का लफ्ज यूज किया, अदरवाइज और कुछ भी नहीं है। तो कोलिजन से पहले जो है मोमेंटम था सिस्टम का एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू, और जब ये कोलाइड कर गए आपस में तब सिस्टम का मोमेंटम जो है वो क्या हो गया? तब मोमेंटम सिस्टम को हो गया एम वन बी वन प्लस एम टू वी टू। एक मिनट वेट कीजिएगा। ओके जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे पास, हमने एक सिस्टम कंसीडर किया, दो स्फीयर्स बॉल्स सपोज कर ले, एक का मैस एम वन दूसरे का मैस एम टू। एम वन छोटा है, मैस एम टू बड़ा है, लिहाजा अगर इसकी वेलोसिटी यू वन है इसकी वेलोसिटी यू टू है तो छोटे वाले की वेलोसिटी ज्यादा होगी बड़े वाले से। जब ये आपस में कोलाइड करते हैं तो इनकी वेलोसिटीज जो है बाद में वी वन और वी टू हो जाती हैं। तो हम टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन सिस्टम का क्या है? एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू। आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम क्या है सिस्टम का? एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। ठीक है, तो अब जब हम नीचे आते हैं तो देखें, हम अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहते हैं कि सिस्टम का जो मोमेंटम कोलिजन से पहले था वो बराबर होगा सिस्टम का जो मोमेंटम है कोलिजन के बाद। तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया हमने। क्यों? क्योंकि ये मोमेंटम है सिस्टम का बिफोर कोलिजन और ये मोमेंटम है सिस्टम का आफ्टर कोलिजन। तो ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है की स्टेटमेंट है। तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पहले डिफाइन किया कि आइसोलेटेड सिस्टम हो, ऐसा सिस्टम होता है जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो। तो जब दो या दो से ज्यादा बॉडीज ऐसे सिस्टम में हो, जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनकी इंटरेक्शन के दौरान जो है मोमेंटम जो है बॉडी का, ऑब्जेक्ट सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है। फिर हमने दो डिफरेंट स्फीयर्स ले लिए, एक का मैस एम वन दूसरे का मैस एम टू। इस तरह के मैसेज हैं कि एक जो समाल वाला है उसकी वेलोसिटी दूसरे से ज्यादा होगी, जब ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो इनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाती हैं। सपोज इनकी स्टार्ट में जो वेलोसिटीज थी इंट्रेक्शन से पहले वो यू वन यू टू थी, इंट्रेक्शन के बाद इनकी वेलोसिटीज जो है वो वी वन वी टू हो जाती हैं। तो टोटल मोमेंटम सिस्टम का बिफोर कोलिजन क्या था? वो था एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू। और कोलिजन के बाद मोमेंट क्या हो गया मोमेंटम सिस्टम का? वो हो गया एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। तो फिर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया
वो हमारे पास है कि सिस्टम का मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर है सिस्टम का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो वहां से हमारे पास ये स्टेटमेंट जो है वो बन गई कि एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू बराबर है एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू के। ओके फाइन फेयर एनफ। अब पार्ट बी है ग्राफिकली प्रूव दैट टू ए एस इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। देखें हमने पेपर सोल्व किए हैं, एक में एस इक्वल टू वी एटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ये भी हम प्रूव कर चुके हैं, एक पेपर में मैंने ये भी ऑलरेडी हमने प्रूव किया टू एस इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। तो आप खुद देख लें कि ग्राफ डेफिनेशंस एक्सप्लेनेशंस लिटिल बिट न्यूमेरिकल्स ये कितने इंपॉर्टेंट हैं, हर क्वेश्चन में जो है ये चीजें जो है वो पूछी जा रही हैं। तो आपने अपनी तैयारी जो है इस हिसाब से ही करनी है। तो थर्ड इक्वेशन है ये टू ए एस इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर जिसे आप लोगों ने जो है वो प्रूव करना है। सपोज अच्छा ये देखें, अब ये एक हम स्पीड टाइम ग्राफ ले लेते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि आपके वाई एक्सिस पे जो है वो स्पीड है, एक्स एक्सिस पे आपके जो है वो टाइम है, इसलिए इसे स्पीड टाइम ग्राफ कहते हैं। ये ओरिजिन है जहाँ पे स्पीड भी जीरो है टाइम भी जीरो है, ये एक पॉइंट है ए और ये पॉइंट बी है। तो ये देखें अब ये हमारे पास जो है एक राइट ट्रायंगल बन रही है, ठीक है, और एक जो है हमारे पास ये क्या बन रहा है, एक हमारे पास ये ट्रॉपिज्म जो है वो बन रही है। अब जो देखें ये मैंने थोड़ा सा ये वर्डिंग में लिख दिया है कि कंसीडर द स्पीड टाइम ग्राफ इन विच इनिशियल वेलोसिटी वी आई जो है वो ओ ए के बराबर है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ओ ए के बराबर है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, जो वी एफ होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास होगी बी डी। और एक्सलरेशन क्या होती है, एक्सलरेशन तो हमारे पास जो है वो बेसिकली फिर हमारे पास एक्सलरेशन होगी वो होगी बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, ठीक है। तो और बी सी हमारे पास क्या है, ये टोटल बी डी है और बी डी जो है वो बराबर है बी सी प्लस सी डी। तो अगर बी सी निकालना है तो वो होगा बी डी माइनस सी डी, ठीक है। तो ये आ गया, और ए सी जो है ये बेसिकली वही चीज है जो ओ डी है, ठीक है। और अब बी डी हमारे पास जो है वो किसके बराबर है, वो आपके पास बराबर है वी एफ के बराबर है, और सी डी जो है ये आपके पास बराबर है ओ ए या वी आई के बराबर है, और ए सी या जो ओ डी है ये बराबर है आपके पास टाइम के इक्वल। तो आपने यहाँ पे ए इक्वल बी डी माइनस सी डी की जगह ये पुट कर देना है, बी डी की जगह वी एफ आ जाएगा, सी डी की जगह वी आई आ जाएगा, और ओ डी की जगह जो है वो आपके पास जो है टी आ जाएगा। तो और यहाँ से आप जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा सा कर सकते हैं। अच्छा अब हम तकरीबन हमने सॉल्व कर लिया है इस इक्वेशन को, अब देखिए हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। अब डिस्टेंस कवर टोटल क्या होगा, वो बेसिकली ये जो हमारे पास एक ट्रॉपिज्म बन रही है ओ ए बी डी, इसका एरिया जो है वो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड है। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रॉपिज्म ओ ए बी डी किसके बराबर है, वो है हाफ इंटू बी डी प्लस ओ ए मल्टीप्लाई बाई ओ डी। हाफ बी डी क्या है, बी डी हमारे पास है जी पी एफ है, प्लस ओ ए हमारे पास क्या है पी आई है, मल्टीप्लाई बाई ओ डी हमारे पास अब क्या है, ओ डी हमने यहां से निकाला है कि वी एफ माइनस वी आई बाई ए है। तो ये है वी एफ माइनस वी आई मल्टीप्लाई बाई वी एफ प्लस वी आई।
ये ऐसी ही चीज है जिस तरह ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, तो ये भी ऐसे ही बन जाएगा, एस इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ए। यहाँ से आप हल्का सा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा टू ए एस इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। और यही हमारे पास थर्ड लॉ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, और इसे हमने जो है बड़ी आसानी से जो है वो सोल्व कर लिया है। तो देखें, हमने सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है वो प्रूव करना था। हमने एक स्पीड टाइम ग्राफ लिया, उसमें हमने इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी जो है वो लेबल की, एक्सेलरेशन फाइंड की, वहां से हमारे पास जो है वो हमने फिर उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड देखा, वो क्या होता है, एक ट्रॉपिज्म बन रहा था उसका एरिया के बराबर है, उसके एरिया हमने ट्रॉपिज्म को फाइंड कर लिया, तो वहां से हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड के साथ हल्का फुल्का हमने खेला इक्वेशंस के साथ, तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो बड़ी आसानी से जो है वो प्रूव हो गए। तो इस तरह ये हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर थ्री जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर के ऊपर। अब इस क्वेश्चन नंबर फोर के भी जो है वो, इसके बेसिकली तीन पार्ट्स हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर के तीन पार्ट्स हैं। देखें, पार्ट ए जो है इसमें कहता है डिफाइन इक्विलिब्रियम एंड एक्सप्लेन द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। देखिए, एंड जब यूज कर लिया, इस मतलब है दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया उसने इस क्वेश्चन को। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि पार्ट ए है ना, डिफाइन इक्विलिब्रियम एंड एक्सप्लेन द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, जब एंड बीच में लगा दिया, इसका मतलब इस क्वेश्चन के दो हिस्से हैं, डिफाइन करना है एक इक्विलिब्रियम को, सेकंड आपने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करना है। यहां से भी आपको ये पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन के दो हिस्से हैं, वन प्लस थ्री, ये जो वन है ये इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने का है, और ये जो थ्री है ये बेसिकली जो फर्स्ट कंडीशन है इक्विलिब्रियम के लिए, उसको आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। तो अब देखें, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ठीक है। हम कहेंगे कि एक कोई ऑब्जेक्ट जो है या बॉडी जो है वो तब इक्विलिब्रियम में होगा जब उसके ऊपर कोई फोर्स जो है वो ना लग रही हो। तो इक्विलिब्रियम क्या है, हम कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो तब इक्विलिब्रियम में है जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। ओके, हो गया, फिर ये हमने डिफाइन कर लिया, एक नंबर हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम जो है वो हमने एक्सप्लेन करना है उसको। तो देखें, इक्विलिब्रियम को डिफाइन हमने कर लिया कि बॉडी जो है, हम कहेंगे कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट जो है इक्विलिब्रियम में है अगर उसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो नहीं लग रही कोई भी। इसकी एग्जाम्पल ये है कि एक किताब जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, या एक तस्वीर जो है वो दीवार से लटकी हुई है, तो कोई फोर्स नहीं लग रही, तो ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम जो है, इसको जो है हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, अ बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एनी स्ट्रेट लाइन ऑन अ बॉडी इज जीरो। तो जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, पहले इसे जो है हमने क्या कर रहे हैं, हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी फोर्सेस लग रही हैं अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, उनका सम जो है वो जीरो होना चाहिए। सपोज कर लें कि एन नंबर ऑफ फोर्सेस जो है वो बॉडी के ऊपर लग रही है, F1, F2, F3, Fn तक, ठीक है। तो इस कंडीशन के हिसाब से, इस स्टेटमेंट के हिसाब से क्या है, इन फोर्सेस का सम जो है वो जीरो होना चाहिए, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn जीरो होना चाहिए। ये मतलब सिग्मा एफ जो है समिशन ऑफ सम ऑफ ऑल फोर्सेस जो है वो जीरो होनी चाहिए। जब सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो होनी चाहिए, तो फोर्स क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसके एक्स कंपोनेंट भी होता है वाई कंपोनेंट भी, लिहाजा सम ऑफ जो फोर्सेस है अलोंग एक्स कंपोनेंट अलोंग वाई कंपोनेंट दोनों जो है वो जीरो होने चाहिए। जब ये कंडीशन बॉडी को सेटिस्फाई करेगा, तब हम कहेंगे कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो सेटिस्फाइड हो रही है। तो क्वेश्चन फोर का ए पार्ट में हमने इक्विलिब्रियम को पहले डिफाइन किया, फिर हमने क्या किया, हमने जो फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम है उसको जो है हम लोगों ने जो है
बड़े अच्छे तरीके से जो है एक्सप्लेन कर दिया हमने, कहा कि हम कहेंगे कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में तब होगा जब उस बॉडी या ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स ना लग रही हो। एग्जाम्पल हमने इक्विलिब्रियम की ये देखी कि एक किताब जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है या एक तस्वीर जो है वो दीवार से लटकी हुई है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं इक्विलिब्रियम की हमारे पास। फिर हमने आगे देखा कि जो फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम है ये बेसिकली कहती है कि कोई भी बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा अगर इस बॉडी के ऊपर जितनी फोर्सेस अलोंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन जो है लग रही हैं उनका सम जो है वो जीरो हो। तो अगर हम इमेजिन कर लें कि बॉडी के ऊपर जो एन फोर्सेस लग रही हैं F1, F2, F3 प्लस Fn, तो इसका सम जो है इस कंडीशन के मुताबिक क्या होगा, जीरो होगा। तो ये चीज जीरो है तो इससे हम बजाय F1, F2, Fn लिखने के हम समिशन F लिख देते हैं। मैथ का यही तो फायदा होता है कि ये जो समिशन साइन है इसके अंदर वन से इन्फिनिटी तक चीजें जो है हम समा देते हैं। तो इसका मतलब यही है कि F1 से Fn तक जितनी फोर्सेस बॉडी के ऊपर लग रही है उसका सम जीरो है। फोर्स इसका मतलब है एक्स कंपोनेंट में चाहे लग रही है चाहे वाई कंपोनेंट में लग रही है वो जीरो ही है। जब ये कंडीशनें दोनों सेटिस्फाई होंगी तो हम कहेंगे कि बॉडी जो है वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है और इक्विलिब्रियम में है। अब पार्ट बी जो है देख लेते हैं इस क्वेश्चन का, और ये न्यूमेरिकल है छोटा सा। अ मैन हैज पुल्ड अ कैरेट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। एक बंदा क्या करता है, वो एक कार्ट कैरेट है उसको जो है वो 300 न्यूटन फोर्स लगा के 35 मीटर जो है वो पुल करता है, तो वो बंदा कितना वर्क करता है वो हमने बताना है। जो गिवन डेटा होता है उसे हमेशा सबसे पहले लिखते हैं। फोर्स गिवन है आपको 300 न्यूटन, आपने लिख ली। फिर कितना डिस्टेंस जो है वो कैरेट को पुल करते हैं 35 मीटर, वो भी आपने लिख लिया। अब आपने क्या करना है, आपने वर्क डन जो है वो फाइंड करना है। अब वर्क डन हमारे पास क्या होता है, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू एस। एफ आपको गिवन है 300 न्यूटन, एस जो है वो भी आपको गिवन है 35 मीटर। सिंपल दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 10,500 जूल जो है आपके पास वर्क आ जाता है। आसान से क्वेश्चन था, उसने वर्क डन पूछा था, उसने कहा था एक बंदा जो है वो एक कैरेट को 35 मीटर डिस्टेंस तक पुल करता है 300 न्यूटन फोर्स लगा के, तो बताओ वो बंदा जो है कितना वर्क करता है। वर्क का फार्मूला आपके जेहन में आना चाहिए कि वर्क होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी गिवन थी, डिस्टेंस भी उसके रिस्पांस में पता था, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बड़ा सिंपल हमारे पास जो जवाब आ गया 10,500 जो। इसी क्वेश्चन का पार्ट सी है, डिस्क्राइब आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि इक्वेशन क्या है, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इस इक्वेशन को आपने जो है क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। 3 नंबर का है, 4 से 5 लाइनों में आपने एक्सप्लेन करना है। स्टिल अगेन ये क्वेश्चन जो है आपके वो स्मार्ट सिलेबस में नहीं था तो इस वजह से यहाँ पे इसका सोल्यूशन नहीं अवेलेबल, लेकिन अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना है, फिर मैं आप लोगों के लिए ये शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका पार्ट ए है डिस्क्राइब द स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, गिव फार्मूलाज फॉर द कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अदर। देखें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पीछे भी आपको कहा है कि आपने जो है ये स्केल्स जो हैं इनकी आपस में क्या रिलेशन है, केल्विन और सेंटी डिग्री ग्रेड ये स्केल्स कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, फेरनहाइट सेंटी डिग्री ग्रेड ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, इनकी आपस में रिलेशंस आपको जो है वो आनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक स्केल में अगर कोई वैल्यू है तो दूसरे में वो उतनी वैल्यू किसके बराबर है, इससे बहुत बहुत आसानी से आप स्विच कर सकते हैं। और ये आपसे एमसीक्यूज में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है। तो ये आप लोगों ने क्वेश्चन रिलेशन जो है 3 ही रिलेशन है छोटी सी, वो आपने याद कर लेनी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जो है पार्ट बी है न्यूमेरिकल है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सर्फेस ऑफ मून इज 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, और रेडियस ऑफ मून जो है वो 1740 किलोमीटर है। हमने मून का मास जो है वो फाइंड करना है। मून की सर्फेस पे जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो गिवन है 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर।
मून का रेडियस जो है 1740 किलोमीटर वो गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने मून चांद का मास जो है वो फाइंड करना है। पहले जो डाटा गिवन होते हैं वो हमेशा लिख लेते हैं, जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून की सरफेस पे वो गिवन है 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, रेडियस जो है मून का वो गिवन है, किलोमीटर गिवन है तो आप मीटर में कन्वर्ट कर लें, उसके लिए आप इसे 1000 से जो है वो मल्टीप्लाई कर लें, तो 1740 मल्टीप्लाई बाई 1000 मीटर ये आपके पास आ जाते हैं 1.74 मल्टीप्लाई बाई 10^6 मीटर। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है ये हमें पता है, ये आपने याद रखना है, ये होता है 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर केजी स्क्वेयर मैस ऑफ मून हमने फाइंड करना है। तो ये फार्मूला है आपके पास जी, समाल जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये बराबर होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मास डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और आपने मास फाइंड करना है तो मास इधर ही रहने दे, ये आर स्क्वायर उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जी इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये सारी नौ चीजें हैं, पुट कर दे फार्मूला में, जी 1.62 है, आर ये आपके पास गिवन है ये जो ऊपर है, स्केयर इसका कर लें डिवाइडेड बाई जी कर दें, आप सोल्व करें कैलकुलेटर से तो आपके पास मैथ जो है 7.35 मल्टीप्लाई बाई 10^22 के जी जो है वो आ जाएगा, ये मैथ का मून का मैथ जो है आपके पास आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्या था आपके पास जो मून की सरफेस पे जो असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो आपको गिवन थी, मून का रेडियस आपको गिवन था, आपने मून का जो है मैथ जो है वो फाइंड करना था। तो आपने पहले जो आपको डेटा गिवन था आपने वो नीट एंड क्लीन करके लिख दिया, फिर आपके पास जो है इसमें एक चीज थी कि जो आपका रेडियस था वो किलोमीटर में गिवन था लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो मीटर है, तो आपने क्या किया, आपने इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया तो आपके पास जो है ये किलोमीटर से मीटर में आ गया। फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद थी कि ये 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10^-11 होती है, ये आपने जो है वो यूज कर ली, और मैथ आपने फाइंड करना था तो आपने फार्मूला यूज कर लिया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई मैथ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यहाँ से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया वैल्यूज पुट की कैलकुलेटर से आपके पास जवाब आ गया कि जो मैथ है मून का वो बेसिकली 7.35 मल्टीप्लाई बाई 10^22 के जी जो है वो है। तो इस तरह ये हमने पेपर जो है वो कंप्लीट सोल्व कर लिया। मैं आपको ओवरव्यू दे दूं, ये बेसिकली सेक्शन सी में जो है तीन क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन के दो से तीन पार्ट्स थे। पहला क्वेश्चन थ्री जो था उसमें उसने कहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिफाइन करो और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लो, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिंपल यही होता है कि जो हमारे पास मोमेंटम होता है किसी भी सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम का वो कंजर्व रहता है। फिर हमारे पास उसने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसका हमसे ग्राफिकली प्रूव कराया, वो हमने किया। फिर उसके बाद जो है उसने हमसे कहा कि इक्विलिब्रियम को डिफाइन करो और जो फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, तो हमने कहा बॉडी हम कहेंगे कोई भी इक्विलिब्रियम में है अगर इसके ऊपर नेट फोर्स जो है कोई ना लग रही हो, और फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए यह है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी जीरो होनी चाहिए, चाहे सिग्मा एफ एक्स हो चाहे सिग्मा एफ वाई हो, वो जीरो होंगी तो हम कहेंगे बॉडी जो है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। फिर हमारे पास क्वेश्चन था कि एक बंदा जो है वो 300 न्यूटन की फोर्स लगा के एक कैरेट को 35 मीटर डिस्टेंस तक जो है वो लेके जाता है, तो बताओ वो वर्क कितना करता है, तो वर्क सिंपल प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होती है, फोर्स और डिस्टेंस दोनों गिवन थे, वहां से हमारे पास सिंपल जो है वो जवाब आ गया। कुछ चीजें जो है वो यहाँ पे सोल्व नहीं है, वो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, तो मैं आपके साथ में उसका सोल्यूशन जो है वो शेयर कर दूंगा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून की सरफेस पे गिवन थी, रेडियस ऑफ मून भी गिवन था, उसने मैस ऑफ मून हमसे पूछ लिया, तो वो हमने फार्मूला जो जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है, तो यहाँ से सिंपल थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके हमने जो है वो फाइंड कर लिया कि मास ऑफ मून जो है वो कितना है। तो चलें यहाँ पे ये जो है हमारा जो है फेडरल बोर्ड क्लास 9 फिजिक्स के पास पेपर्स की सीरीज कंप्लीट होती है, कल इंशाल्लाह हम क्लास 10 फिजिक्स फेडरल बोर्ड के पास पेपर सोल्व करना जो है स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, लाइक शेयर वीडियो को कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।